स्टूडेंट, यस हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा था बेटा, पेज नंबर 21 पर हम रीड करेंगे। डू यू नाउ टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू प्रेस द विंडो लोगो की। हमें अगर कोई भी मेन्यू या फिर कोई विंडो ओपन करनी है तो हम किस पर क्लिक करते हैं? ये लोगो होता है ना, की का विंडो, देखिए इस ये लोगो, इस पर हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हमारी विंडो क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। यस नेक्स्ट, द राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। राइट पैन जो मेन्यू अपनी विंडो होती है उसके राइट पैन पर क्या होता है? एज राइट पैन प्रोवाइड एक्सेस द कॉमनली यूज फोल्डर्स, फाइल्स, सेटिंग्स एंड फीचर्स। राइट पैन हमें क्या प्रोवाइड करता है? राइट पैन हमें फाइल्स, फोल्डर एंड सेटिंग्स, फीचर्स, इसको यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए प्रोसेस प्रोवाइड करता है। दिस इज ऑल्सो द प्लेस फ्रॉम वन वेयर यू कैन टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। और यहाँ पर कौन सा प्लेस होता है? जब आप कंप्यूटर शट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ पर से ही कर सकते हैं। देखिए अभी जो लोगो विंडो होती है इसकी, इस विंडो, इस पर सिंबल पर हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद राइट साइड में देखिए इस तरीके से क्या निकलेगी, ये विंडो निकलेगी, और यहाँ पर ऑप्शन होता है शट डाउन। हम जैसे इस शट डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम है जो क्या होगा, शट डाउन होगा, और उसके बाद हमें क्या करनी पड़ेगी, पावर ऑफ करनी पड़ेगी। यस, अभी आप इस चैप्टर में हमने क्या रीड करा ये सारा हम इस लेटेस्ट रिव्यू पॉइंट्स में देखेंगे। यस, बूस्टर रिव्यू पॉइंट्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द यूज़र टू वर्क विद द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या वर्क करता है, यूजर्स के साथ, जो यूज़र है कंप्यूटर पे इसकी हेल्प से वर्क कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जनरली यूज एट होम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो घर पर यूज़ होता है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें, क्योंकि एक टाइम में एक ही कैंडिडेट उस पर वर्क कर सकता है, ऑफिस में और घर पर, ये सारे काम स्कूल में, इनमें सिंगल यूज़र सिस्टम यूज़ होते हैं, PCs। यस, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज़ इन ऑफिस एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल एंड रेलवे स्टेशन। मल्टी यूज़र सिस्टम्स कहाँ यूज़ होते हैं? बिग ऑर्गेनाइजेशन जैसे हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन पे कैसे यूज़ होता है बेटा, देखिए अगर हमें किसी एक टिकट विंडो से टिकट लेना है, आज जैसे अभी रेलवे स्टेशन होते हैं उनके बाहर भी हम टिकट ले सकते हैं और रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी हम जाकर टिकट ले सकते हैं। तो अब वहाँ पर एक ही जैसी इंफॉर्मेशन, जैसे अभी मुझे सीट नंबर 4 अलॉट हो गया है B1 में, कैबिन B1 में, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर मेरे को वो सीट अलॉट हो गई तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो दूसरे वाले जो जहाँ से हम टिकट ले रहे हैं वो भी वही सीट अलॉट कर देंगे, नहीं वो भी नहीं करेंगे। वो क्या है, उनको सब इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है, ये कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक होते हैं और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस नंबर की सीट बुक हो चुकी है, और वो क्या करते हैं उसको छोड़कर दूसरी हमें सीट बुक करते हैं। तो ये क्या यूज़ होते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो वर्क हम इस कंप्यूटर पर कर रहे हैं वो एक्सेस वहाँ भी कर सकते हैं उसे। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल्स, फोल्डर और प्रोग्राम्स ऑन द डेस्कटॉप कैन बी ओपन्ड बाय डबल क्लिकिंग ऑन दैम। और फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम्स ये क्या है बेटा, डबल क्लिक करने पर ओपन हो जाते हैं। तो देखिए हमने ये चैप्टर रीड करा है, चैप्टर नंबर 3। आप इसको बेटा अच्छे से रीड करना, हमने इसमें विंडो में स्टार्ट विंडो पर क्लिक करने, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर कौन से ऑप्शंस ओपन होते हैं, कैसे हम स्टार्ट मेन्यू को यूज़ करते हैं, राइट पेन क्या होता है, ये सारा हमने इसमें रीड करा है, और आप इसे अच्छे से रीड करना। थैंक यू।